हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। और नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी नाम जप करना शुरू कीजिए, है ना, बिना किसी शर्म के और बिना किसी आलस के। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं आज आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स आज उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए आज, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। गोपाल, वाओ, देखिए पहला ही कार्ड यहाँ पे गोपाल श्री कृष्ण जी का आया है, बाल गोपाल का। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपके बच्चे, जिनको अपने बच्चों के प्रोटेक्शन की चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है, तो वो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स इस कार्ड के थ्रू कहना चाहते हैं कि आपके बच्चे पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं। ओके, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, वो आपके ईश्वर, जिनको भी आप अपना ईश्वर मानते हैं, इष्ट मानते हैं, जिनको भी आप पूछते हैं, उनकी शरण में हैं। और बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, सिर्फ अपना कर्म कीजिए, उनका ध्यान रखिए अच्छे से। ओके, सिर्फ अपना कर्म करते रहिए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। और साथ में यहाँ पे ये भी मैसेज है, जो अगर कुछ व्यूअर्स यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई इशू था आपको, तो यहाँ पे वो इशू बहुत जल्दी रिजॉल्व होगा, बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में इस ये एक गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, एक न्यू बॉर्न बेबी आपकी लाइफ में आएगा। और जो अड़चने थी ना इस चीज़ में, वो अड़चने यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ओके, कुछ नेगेटिविटी थी जो काफ़ी लंबे समय से जिसमें आप बंधे हुए थे, ये नेगेटिविटी यहाँ पे रिलीज़ हो रही है आपके स्पिरिट गाइड्स। और मुझे जस्ट इंट्यूशन आई कि जो इस पर्पस से इस रीडिंग को देख रहे हैं या जिन तक भी ये वीडियो पहुँच रहा है, आप और व्यूअर्स, आप में किसी को अगर ये प्रॉब्लम है कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ के लिए बजरंग बाण कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए कि आपके आसपास, आपके वातावरण में जो भी नेगेटिविटी है, या फिर आपके अंदर भी अगर कोई नकारात्मकता है, कोई नेगेटिव, नकारात्मकता मतलब नेगेटिव थॉट होता है ना, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर करके हमारे अंदर ऐसी नेगेटिविटी, नकारात्मकता आ जाती है, नेगेटिव वाइब्रेशंस आ जाती हैं कि हम चाह कर भी पॉजिटिव अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं ना। तो इस इंटेंशन से कीजिए कि हर तरह की नेगेटिविटी, नकारात्मकता आपके आसपास, आपके जीवन से और आपके अंदर कुछ है तो वो ख़त्म हो जाए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप यहाँ पे एक पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देखेंगे, आप ऐसा ज़रूर कीजिए व्यूअर्स, जिन तक भी ये वीडियो पहुँच रहा है। ओके, और साथ में यहाँ पे जो व्यूअर्स कृष्णा जी की डिवोटी है ना, उन्हें तो यहाँ पे कृष्णा जी की बहुत 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 आशीर्वाद मिल रहा है आपके डिवोशन से, आपकी भक्ति से। आप जिस तरीके से भी उन्हें याद करते हैं कृष्णा जी को, तो वो आपकी भक्ति से बहुत क्लोज, बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, और वो आपको कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और आप जिस तरीके से भी उन्हें याद करते हैं ना, थोड़ा भी याद करते हैं लेकिन दिल से याद करते हैं, तो वो दिन ब दिन आपको उनके और नज़दीक लेकर जा रहा है। ओके, यहाँ पे आपको आपका कृष्णा जी के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो रहा है यहाँ पे। साथ में जो लड्डू गोपाल जी को मानते हैं ना, और किसी भी तरीके से या लड्डू गोपाल जी का ही मुझे इंट्यूशन ज़्यादा आ रहा है, तो उन्हें जो मानते हैं उनको यहाँ पे बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही है। आप जिस तरीके से सेवा करते हैं उनकी, अपने जिस भी भाव से आप करते हैं, तो वो आप इस तरह उस भाव से कृष्णा जी, बाल गोपाल कृष्णा जी बहुत प्रसन्न हैं, और वो आपके जीवन में बहुत आपको आशीर्वाद दे रहे हैं उस चीज़ के लिए ना, हर तरह की खुशियां आपको देना चाहते हैं और हर तरह की खुशी आपको दे भी रहे हैं। और जो व्यूअर्स यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, डिवाइन जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और आपके मन में ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, तो मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि ये इस कार्ड को देख कर के, हालांकि इसमें ऐसा कोई मैसेज नहीं है, बट मुझे आपके स्पिरिट गाइड से ये बताना चाहते हैं कि हाँ, आपके पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है और अच्छे से हो रही है। आप उस चीज़ की बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आप इस पर ध्यान ना दें कि वहाँ पे क्या हो रहा है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने ग्रोथ पर फोकस कीजिए, आपने कितना ग्रो किया है अपनी जर्नी में, क्या आप में वो चेंजेस आए हैं जो आप अपने पर्सन में देखना चाहते हैं, तो ये आपको देखने के लिए कहा जा रहा है। ओके, मोहिनी मूर्ति, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको
आपके आसपास जो नेगेटिविटी है ना, वो यहाँ पे आपको सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है, अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है ना। आपके आसपास ऐसे लोग हैं, मुझे मोस्टली यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी फील हो रही है। कुछ ऐसे फेमिनिन एनर्जी हैं जो मैनिपुलेटिव हैं आपके लिए, बहुत आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं, आपको मतलब भटकाने की कोशिश करती हैं अपने पाथ से। उनसे आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ में, आपकी सोल ग्रोथ में यहाँ पे ऑब्स्टिकल का काम कर रहे हैं। ओके, उनसे दूर रहिए, उनसे बाउंड्रीज क्रिएट करके रखिए। और साथ में जो यहाँ पे अपने लस्ट की एनर्जी से परेशान थे, है ना, बहुत ज़्यादा आपको इंटीमेसी की ऐसी एनर्जी फील होती थी, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, डिवाइन जर्नी में, स्पिरिचुअल पाथ पर है, तो यहाँ पे आपके पर्सन का यहाँ पे रूट चक्रा हील हो रहा है। जब रूट चक्र और सेक्रल चक्र हील हो रहा है, तो जब इस तरीके की हीलिंग होती है काउंटर पार्ट की, तो आपको इस तरीके की एनर्जी पिक हो सकती है। ओके, तो ये आपको उस चीज़ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप ईश्वर से प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए, बजरंग बाण कीजिए, बाकी नाम जप कीजिए, है ना, जो आप कर रहे हैं वो ही कीजिए, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। क्योंकि एक प्रोसेस है जब हीलिंग होती है चक्रास की, तो ये ऐसा होता ही होता है। ओके, तो इसमें आपको घबराना नहीं है कि ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है, मैं तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ये आप नहीं कर रहे हैं, ये सब डिवाइनली गाइडेड है और जल्दी ठीक भी हो जाएगा। ओके, और साथ में यहाँ पे नॉलेज ऑफ व्हेन इट इज़ अप्रोप्रिएट टू गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे देखिए, आपको ये कहा जा रहा है कि जो मैनिपुलेटिव लोग हैं ना, उनको आप प्रॉपर जवाब दीजिए, है ना। आप सिर्फ उनसे मैनिपुलेट होकर उनकी बातें सुन के उनकी हाँ में हाँ मिलाना कम कीजिए, बंद कीजिए, और उन्हें प्रॉपर जवाब दीजिए, स्टैंड लीजिए अपने लिए, है ना। उनकी बातों में आना बंद कीजिए, क्योंकि ये जो समय है, ये समय ऐसा नहीं है कि लोगों की बातों में आ करके अपना काम करने लगे, है ना। अपना माइंड, अपने इंट्यूशन पावर को यूज़ करना है। आप डिवाइन सोल हैं, आप ईश्वर से कनेक्टेड हैं, आप नॉर्मल सोल्स नहीं हैं। अगर आप भक्ति के मार्ग पर हैं, तो डिविनिटी आपके अंदर है, आपके ईश्वर आपके अंदर हैं। आप बहुत ब्लेस्ड सोल्स हैं कि ईश्वर के साथ कनेक्शन आपका है। तो जब इस तरीके का ईश्वर से कनेक्शन आपका है, तो आपको आपको अपने अंतरात्मा से पूछना है, कोई भी काम करते हुए, किसी भी पर्सन के साथ कांटेक्ट में कर जाते हुए, कि क्या ये आपके लिए सही है, क्या ये पर्सन आपके लिए सही है, क्या ये काम आपके लिए सही है, क्या ये डिसीजन आपके लिए सही है। अगर आपकी अंतरात्मा से जवाब आता है कि हाँ ये सही है, आपके अंतरात्मा की जवाब मतलब आपके ईश्वर ही आपको अंदर से जवाब देंगे ना। जब आप नाम जप करते हैं, तो इस तरीके के अनुभव आपको होने लगते हैं, कि आपको अंदर से ही जवाब मिलने लगते हैं कि क्या सही है क्या गलत है ना। तो आपको नाम जप करना है, और ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस बना के रखना है जो आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे आया है सूर्य देवता। तो सबसे पहले तो ये मुझे चैरियट का कार्ड फील हो रहा है यहाँ पे व्यूअर्स। ओके, और जब चैरियट का कार्ड आता है, तो यहाँ पे आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी काउंटर पार्ट आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो मतलब अब एक ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं ना, ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं पूरी तरीके से। एक डिवाइन मस्कुलाइन की जो एनर्जी होती है ना, वो उस एनर्जी में आ चुके हैं या बहुत जल्दी आने वाले हैं। उनका रूट चक्रा, क्योंकि रूट चक्रा सेक्रल चक्रा जो हील हो रहा है ना, उस तरीके से उनका यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत हर चक्रा हील भी हो रहा है या होने वाला है बहुत जल्दी। और जब हर चक्रा तक एनर्जी पहुँच जाती है, तो यहाँ पे आपका इनर यूनियन भी होने वाला होता है, या कुछ व्यूअर्स का इनर यूनियन भी आप फील कर रहे होंगे कि इनर यूनियन आपका हो चुका है। आप अपने पर्सन को ही अपने साथ, अपने आसपास फील कर रहे होंगे इस वक्त। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पर्सन आपके साथ ही हैं, आपके आसपास ही हैं, आप उनके थॉट्स सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इस तरीके का आप फील कर पा रहे होंगे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ओके, और आप नहीं भी हैं, आप बहुत प्योर लव कनेक्शंस में हैं, आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपके पर्सन और आप जो है ना, पूरे आप डिवाइनली कनेक्टेड हैं, डिवाइन के द्वारा कनेक्टेड हैं, यूनिवर्स के द्वारा कनेक्टेड हैं। अगर आप अभी तक कनेक्टेड हैं, आप सेपरेशन में भी हैं, लेकिन आप एक दूसरे के लिए अभी भी उतनी ही ट्रू फीलिंग्स रखते हैं इस वक्त, है ना, ये मुझे फील हो रहा है। और जब इतने सेपरेशन के बाद भी, इतने
कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद भी जब आप एक दूसरे को फील करते हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अपने एक सोल लेवल पर कनेक्टेड है यहाँ पर, है ना। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो भी और नहीं है तो भी, मैंने देखिए अभी 10-10 देखा है, तो ये सभी के लिए व्यूअर्स ये मैसेज है। आपको ईश्वर कहना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स का कि आपका यूनियन बहुत नज़दीक है, क्योंकि ये चैरियट का कार्ड है, सूर्य देवता का कार्ड है, सन का कार्ड है यहाँ पे। तो सन जब आए हैं यहाँ पे, सूर्य देवता आए हैं, तो नई शुरुआत तो होनी ही होनी है। ओके, न्यू बिगनिंग तो आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ में होने ही वाली है। और ना ना केवल जर्नी में व्यूअर्स, आप जिस भी पर्पस से आप आए हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर इस वीडियो तक आपको लेकर आए हैं, तो डेफिनेटली आप जिस रीज़न से आए हैं उसके लिए एक पॉजिटिविटी है, उसके लिए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। एक निश्चित तौर पर एक नई बिगनिंग है, न्यू शुरू, नई न्यू बिगनिंग है। बहुत एक कंप्लीट चेंज होगी आपकी लाइफ, है ना, एक ड्रास्टिक चेंज होगा, एक ड्रास्टिक चेंज आपकी जर्नी में आएगा, एक टर्निंग पॉइंट आपकी जर्नी में आएगा। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि आपकी जर्नी की कमान जो है ना, आपके लाइफ की कमान, आपके इस लाइफ पाथ की कमान जो है स्वयं ईश्वर ने ली है। स्वयं ईश्वर आपकी जर्नी के सारथी हैं, और जब स्वयं ईश्वर आपकी जर्नी के सारथी हैं यहाँ पे, और डिवाइन इंटरवेंशन भी यहाँ पे हुआ है या बहुत जल्दी होने वाला है आपके कनेक्शन में, तो जब इस तरीके की एनर्जीज हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली आप यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं व्यूअर्स। ओके, वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। नेक्स्ट ब्लेसिंग्स देखते हैं व्यूअर्स। ऑनर स्टेटस एंड नेम फेम, देखिए जब सन का कार्ड आया है, नई शुरुआत हो रही है, तो नेम फेम और स्टेटस तो बढ़ना ही है आपका, है ना। आप रीयूनियन विद वंस बिलव्ड, ओ माय गॉड, देखिए मैसेज भी यही लिखा है इसमें, मैंने मैसेज देखा भी नहीं था। और सूर्य देवता का कार्ड तो रीडिंग में आज फर्स्ट टाइम आया है, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू ये मेरे व्यूअर्स को इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए, रीयूनियन की ब्लेसिंग देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। फ्रीडम फ्रॉम डिजीज एंड एलिमेंट्स, और जो व्यूअर्स यहाँ पे कुछ डिजीज से परेशान थे ना काफ़ी लंबे समय से, तो आपको ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपको गाइडेंस ये है कि थोड़ा आप जो आप थोड़ा सनलाइट में रहिए, है ना। सनलाइट जो रहता है ना बाहर, आप सूर्य का प्रकाश है उसे लीजिए, जो अगर आप जा सकते हैं बाहर आपके अवेलेबल है तो। सनराइज़ जब होता है जो वो वाले सनराइज़ की जो प्रकाश होता है ना, वो आपको यहाँ पे लेने की ज़रूरत है, उससे आपकी डिजीज़ जल्दी ठीक हो सकती है, होगी ही, ऐसी आपको गाइडेंस दी जा रही है। और साथ में यहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, आपका पावर बढ़ रहा है, आपका रुतबा बढ़ रहा है, और सब कुछ आपके जीवन में आ रहा है, ऐसी ब्लेसिंग आपके यहाँ पे और दे रहे हैं आपके ईश्वर आपके स्पिरिट गाइड्स। वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और देखिए यहाँ पे मैसेज आया, श्री हरि विष्णु, स्वयं यूनिवर्स आए हैं। जब स्वयं यूनिवर्स आ चुके हैं यहाँ पे सूर्य देवता के साथ, सन के साथ यहाँ पे यूनिवर्स आए हैं, तो नई शुरुआत आपके जीवन में बहुत जल्दी होगी। अबंडेंस, हैप्पीनेस, खुशियाँ हर तरह की लाइफ में आपके आने वाली है। ओके, एक ट्रू हैप्पीनेस जो आपकी लाइफ में होती है ना, वो यहाँ पे आने वाली है। यूनिवर्स स्वयं यहाँ पे आए हैं, तो यूनियन आपका बहुत नज़दीक है, बहुत 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 नज़दीक है। ओके व्यूअर्स, तो ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आज आपके स्पिरिट गाइड्स आपके लिए लेकर आए हैं। और जब मैंने इसे कहा है तो 333 देखा है, और मुझे यहाँ पे ये भी इंट्यूशन आ रहा है कि आपके पर्सन अवेकन तो होने ही वाले हैं, बहुत जल्दी अवेकनिंग कंप्लीट होने वाली है, जो कंप्लीशन के फेज़ में है। ओके, और जिनको ये डाउट था कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कि नहीं, वो भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डेफिनेटली है, ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आज आपके स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस आपके लिए। आई होप आपको अच्छे लगे हों इतने पॉजिटिव, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ, रीयूनियन की ब्लेसिंग्स के साथ। लेकिन हाँ, जो आपको गाइडेंस दी जाती है रीडिंग के दौरान स्पिरिट गाइड्स के द्वारा, वो आप ज़रूर फॉलो कीजिए, याद रखिए, है ना, लापरवाही नहीं करनी। और नाम जप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप नाम जप करिए और ईश्वर से कनेक्शन बनाए रखिए। ओके व्यूअर्स, और प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। और आप जो नए आए, फर्स्ट टाइम आए, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ट्रस्ट करने के लिए। और जो व्यूअर्स इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं आई अप्रिशिएट योर कमेंट्स, थैंक यू, आप इतने एफर्ट्स डालते हैं और बहुत पॉजिटिव कमेंट करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, थैंक यू सो मच। और अगर आपको कुछ कमी लगती है तो वो भी आप बता सकते हैं। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं मेरी तरफ से, तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम। और
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, जय माँ काली।